गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हम लोग क्लास 9 हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ रहे थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जैकोबिन क्लब्स। हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे जैकोबिन क्लब्स क्या थे, जैकोबिन क्लब्स ने क्या क्या वर्क किया, क्या हुआ फ्रेंच रेवोल्यूशन के अंदर। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था पहले हम लोग यही देखते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने जैसे कि देखा था कि वहाँ पर क्या हुआ था, नेशनल असेंबली आ गई थी। नेशनल असेंबली ने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च वहाँ पर कर दिया था। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च करने के बाद में वहाँ पर जो राजा थे, जो क्यू लुई 16 थे, वो लुई 16 ने क्रोएशिया और ऑस्ट्रिया के राजा के साथ मिलकर क्या करने का, नेशनल असेंबली को हटाने का प्लान किया था। फिर हम लोगों ने देखा था कैसे जो राजा उन लोगों को हटाता या उन लोगों को क्या करते, नेशनल असेंबली को हटाते, उससे पहले ही नेशनल असेंबली ने क्या कर दिया, वॉर कर दिया किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया और क्रोएशिया के अगेंस्ट। क्लियर है, जिसमें मैंने आपको बताया था बहुत सारे वॉलंटियर्स थे, उन वॉलंटियर्स ने उसके अंदर सपोर्ट किया था। मार्सलीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, और वहाँ पर हम लोगों ने बताया था मैंने बेटा आपको कि इस समय पर जो थर्ड स्टेट के का जो लोअर स्टेटर था, जो लोअर क्लास थी, थर्ड किस स्टेट की, थर्ड स्टेट्स की जो लोअर क्लास थी, वो डिमांड कर रही थी किस चीज़ की, वोटिंग राइट्स की। किस चीज़ डिमांड कर रही थी, वोटिंग राइट्स की। मैंने बताया था आपको बेटा कि इस समय पर जो वोटिंग, इससे पहले जो वोटिंग राइट्स थे वो किन को थे, सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को, पैसिव सिटीजन्स को नहीं थे। क्लियर है, तो पैसिव सिटीजन्स कौन से, जो लोअर स्टेटर था थर्ड स्टेट्स का। तो जो थर्ड स्टेट्स का लोअर स्टेटर था वो किस चीज़ की डिमांड कर रहा था, वोटिंग राइट्स की डिमांड्स कर रहा था। और वो वोटिंग राइट्स की डिमांड करते हुए अलग अलग क्लब्स बना रहे थे, अलग अलग ग्रुप बना रहे थे, और उन्हीं ग्रुप्स में से जो मोर प्रोमिनेंट जो ग्रुप था, जो मेन जो ग्रुप था, क्लियर है, वो आपका था जैकोबिन क्लब। क्लियर है, तो जैकोबिन क्लब आपको पता है क्या है, एक ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर जो मेम्बर्स हैं वो क्या है, थर्ड स्टेट्स के लोअर स्टेटा के लोग। क्लियर है, उन लोगों का ग्रुप है, और ये ग्रुप क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है किस चीज़ की, वोटिंग राइट्स की। क्लियर है, तो देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं जैकोबिन क्लब्स के बारे में। जैकोबिन क्लब्स गॉट इट्स नेम फ्रॉम कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकोब इन पेरिस। कॉन्वेंट क्या होता है वो समझिएगा, कॉन्वेंट होता कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग, जैसे कोई चर्च वगैरह है, तो उस चर्च बिल्डिंग के नाम पर ही इसका नाम क्या, उस चर्च बिल्डिंग का नाम था सेंट जैकोब। ये कहाँ पर थी बिल्डिंग, पेरिस में थी, और इसी बिल्डिंग के नाम के ऊपर इस क्लब का नाम पड़ा, जैकोबिन क्लब। समझ में आया, इसका नाम कैसे पड़ा, जो कॉन्वेंट था कौन सा, सेंट जैकोब कहाँ पर, पेरिस में, उसके नाम पर ही जैकोबिन क्लब इसका नाम पड़ा। यानी कि कॉन्वेंट, मैंने आपको बता दिया कॉन्वेंट क्या है, कोई भी रिलीजियस बिल्डिंग हो सकती है, जैसे कि चर्च वगैरह। क्लियर है, आगे देखते हैं मेंबर्स, देखते हैं जैकोबिन क्लब्स के मेंबर कौन थे। तो जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि थर्ड स्टेट्स के लोअर स्टेटा के लोग। क्लियर है, तो मेंबर्स मेनली फ्रॉम द लेस प्रॉस्पियस सेक्शन ऑफ सोसाइटी। देखिएगा एक बात और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि जैकोबिन क्लब्स के अंदर सिर्फ लोअर स्टेटा के लोग आया करते थे, कोई भी इसके अंदर शामिल हो सकता था। जैकोबिन क्लब के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी सम्मिलित हो सकता था, कोई भी आ सकता था इस क्लब के अंदर, हाँ कोई भी आके पार्टिसिपेट कर सकता था। लेकिन ज़्यादातर अगर मैं मेंबर्स की बात करूँ, मैं ज़्यादातर ये कहूँ कि उसके अंदर कौन से मेंबर्स ज़्यादा थे, तो मुझे दिखाई देगा या मुझे देखने के लिए मिलेगा कि उसके अंदर जो थर्ड स्टेट के लोअर सोसाइटी के या लोअर सेक्शन के जो लोग थे, वो लोग इस ग्रुप के अंदर ज़्यादा थे। क्लियर है, तो इसको थोड़ा समझिए बेटा पहले कि देखिए नेशनल असेंबली के बारे में आप लोगों ने देखा था, तो नेशनल असेंबली में आपने देखा था कि नेशनल असेंबली में भी थर्ड स्टेट्स के ही लोग थे, लेकिन नेशनल असेंबली में थर्ड स्टेट्स के प्रॉस्पेरस लोग थे, ये थोड़े से अपने आप को अब प्रॉस्पेरस थे। क्लियर है, लेकिन इसके अंदर जैकोबिन क्लब्स के अंदर ज़्यादातर जो मेंबर्स थे वो भी थर्ड स्टेट्स के थे, लेकिन वो थर्ड स्टेट्स के लोअर स्टेटा के लोग थे, जो वर्कर्स थे, जो शूज मेकर्स थे, जो कौन थे, बैगर्स थे, ये सारे लोग किसके अंदर थे, इस जैकोबिन क्लब्स के अंदर थे। क्लियर है, लीडर की बात करते हैं, जैकोबिन क्लब्स का मेन लीडर कौन था, इनका मेन मुखिया कौन था, तो उसका नाम है मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इसका नाम आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चंस पूछा जाता है एक नंबर में कि हु वाज द लीडर ऑफ द जैकोबिन क्लब्स, तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने क्या किया
और इस समय के, जिस समय इसका शासन रहा है उस समय के शासन को रीजन ऑफ टेरर बोला जाता है, तो वो हम लोग आगे वीडियोज में पढ़ेंगे। क्लियर है? फिलहाल आप इतना समझ लीजिए जैकोबिन क्लब्स का लीडर कौन था, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, नाम रखिए, याद रखिएगा इसका। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इनकी ड्रेस कोड कि ये जो कपड़े पहनते थे, ये जो इस क्लब के जो लोग हुआ करते थे, वो जो कपड़े पहनते थे वो थोड़े से अलग हुआ करते थे कपड़े, उनके बारे में हम देखते हैं किस तरीके के कपड़े ये लोग पहना करते थे। तो ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहना करते थे, ये ट्राउजर पहना करते थे, और वो ट्राउजर कैसे होते थे, उन पर लंबी लंबी क्या बनी रहती थी, स्ट्रिप बनी रहती थी। अगर आप अपनी बुक में देखें तो आपकी बुक में जहाँ पर ये टॉपिक दे रखा वहीं पास में एक पिक्चर दे रखी है जिसमें एक व्यक्ति को दिखा रखा है, और उस व्यक्ति ने क्या कर रखी है, एक पैंट पहन रखी है, और उस पैंट में क्या है, लंबी लंबी धारियां बनी हुई हैं अलग अलग कलर से। क्लियर है? तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर। क्लियर है? तो इस तरीके के ट्राउजर ये लोग पहना करते थे, यानी कि इस क्लब के जो मेंबर्स होते थे वो इस तरीके के ट्राउजर पहना करते थे। इसको बिल्कुल ऐसे आप समझ सकते हैं जैसे कि हमारे यहाँ पे एक ग्रुप चलता है, इंडिया के अंदर एक ग्रुप चलता है आरएसएस, तो आरएसएस के लोग होते हैं कुछ नेकर टाइप का और खादी टाइप के नेकर वगैरह पहनते हैं, आपने देखा हुआ। तो ऐसे ही ये लोग थे, ये इसके जो इसके मेंबर हुआ करते थे वो लोग इस लॉन्ग स्ट्रिप्ड ट्राउजर पहना करते थे। क्लियर है? आगे और देखते हैं और क्या होता, मैन वोर आर रेड कैप, जो मैन हुआ करते थे वो रेड कैप पहना करते थे। अब वो जो रेड कैप पहनते थे वो किस चीज़ का सिंबल था, लिबर्टी का, फ्रीडम का। क्लियर है? जो मैन हुआ करते थे, क्योंकि आपको पता है उस समय पर वुमेन्स को जो लिबर्टी इतनी नहीं थी, क्लियर है, लेकिन मैंस को थी। तो मैंस जो हुआ करते थे जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर्स होते थे मैन, वो मैन क्या क्या करते थे, रेड कैप सिर पर लगाया करते थे, और वो रेड कैप किस चीज़ का सिंबल होता था, लिबर्टी का, ये याद रखिएगा। क्लियर है? आगे देखते हैं, देवर नोन एज आ सेंस क्लटर्स, इनको सेंस क्लटर्स बोला जाता था। सेंस क्लटर्स क्या होता है वो समझते हैं पहले, उसके बाद हम नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, दोज विदाउट नीज ब्रीचेस। क्लियर है? पहले आप समझते हैं नीज ब्रीचेस क्या होता है। आप अगर अपने चैप्टर को देखें तो आपके चैप्टर के फर्स्ट पेज पर एक पिक्चर दे रखी है जिसमें क्या है, एक राजा टाइप का, एक एस्टोक्रेट्स है, एस्टोक्रेट्स क्या कर रहा है, बाकी के लोगों से बात कर रहा है। तो आप ध्यान से अगर पिक्चर को देखें तो एस्टोक्रेट्स ने काफ़ी ऊंचे शूज पहन रखे हैं, ऐसे शूज हुआ करते थे जो कहाँ तक आया करते थे, नीज तक आया करते थे, बहुत लंबे, यहाँ घुटनों तक आया करते थे। तो इस तरीके के शूज वो पहना करते थे, जो कौन होते थे, एस्टोक्रेट्स होते थे, यानी कि जो क्लर्जी टाइप के, जो नोबेलिटी टाइप के जो लोग हुआ करते थे वो इस तरीके के जूते पहना करते थे। तो ये लोग इस तरीके के जूते नहीं पहनते थे, ये लोग इस तरीके के जूते नहीं पहनते थे, विदाउट नीज ब्रीचेस। क्लियर है? विदाउट नीज ब्रीचेस पहनते थे, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता था, सेंस क्लटर्स बोला जाता था। यानी कि यहाँ पर ये लोग क्या इसको ना पहनकर क्या शो करते हैं, ये लॉन्ग स्ट्रिप ट्राउजर पहनकर, रेड कैप पहनकर और जूते नहीं पहनकर ये क्या शो करते हैं इस चीज़ को, ये शो करते हैं कि हम लोग तुम लोगों से क्या है, अलग हैं, या हम लोग बाकी के लोगों से क्या है, जो एस्टोक्रेट्स हैं, क्लर्जीज हैं, नोबल्स हैं, जो बड़े प्रॉस्पेरस हैं, हम क्या है उनसे अलग हैं, ये इस चीज़ को यहाँ पर शो करते थे। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा कि जैकोबिन क्लब्स कौन क्या था, इसका नाम कैसे पढ़ा, इसके मेंबर कौन थे, इसके लीडर कौन थे, इनका ड्रेस कोड क्या था, ये सारी चीज़ हमने यहाँ पर पढ़ी। अब देखते हैं, देखिए आगे समझते हैं हम लोग। देखिए जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स क्या थे, बढ़ते जा रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर रहा था, जैकोबिन क्लब्स के मेंबर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन कर रहे थे जैकोबिन क्लब्स के अंदर। तो जैकोबिन क्लब्स के मेंबर बढ़ते जा रहे थे, जैकोबिन क्लब्स की इन्फ्लुएंस भी बढ़ती जा रही थी सोसाइटी के अंदर, और जब इन्फ्लुएंस सोसाइटी के अंदर बढ़ती जा रही थी तो सोसाइटी के ज़्यादातर लोग उसके साथ जुड़ रहे थे। तो धीमे धीमे क्या हुआ, जैकोबिन क्लब एक काफ़ी बड़ा क्लब बन गया, और इतना बड़ा क्लब बन गया कि अब ये नेशनल असेंबली के पैरेलल खड़ा हो गया, या नेशनल असेंबली के खिलाफ खड़ा हो गया, कि बराबर आ गया। क्लियर है? तो समर ऑफ 1792, अब देखते हैं हम समर ऑफ 1792 के समर्स में क्या हुआ, देखते हैं। परेशियन वर एंगर्ड बाय शॉर्ट सप्लाईज ऑफ एंड हाई प्राइस ऑफ फूड, जैसे कि मैंने आपको बताया था सब्सटेंस क्राइसिस चल रही थी फ्रांस के अंदर उस समय भी। तो परेशियन का मतलब हो गया पेरिस में रहने वाले लोग, जो पेरिस में रहने वाले लोग थे उन लोगों, वो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। क्यों गुस्से में थे, क्योंकि उनको फूड की शॉर्टेज चल रही थी, वहाँ पूर्ण तरीके से फूड नहीं मिल पा रहा था लोगों को, और मिल भी रहा था तो बहुत ज़्यादा हाई प्राइसेस पे मिल रहा था, तो जिसकी वजह से वहाँ के लोगों के अंदर में क्या आ रहा था, गुस्सा आ रहा था। अब जब उनके अंदर गुस्सा आ रहा था, लोग परेशान थे, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, खाना मिल भी रहा था तो बहुत महंगा मिल रहा था, तो लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। किन के खिलाफ, जो एस्टोक्रेट्स थे, जिन लोगों को, जिन लोग अपने पास में, जिनके पास में थोड़ा बहुत खाना था, उन लोगों के खिलाफ, जो प्रॉस्पेरस लोग थे, क्लियर है, उनके खिलाफ इन्होंने रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया। और इनकी रिवोल्टों को हेड किसने किया, हेड जैकोबिन क्लब, यानी कि उनको लीड किसने किया उनके रिवोल्ट्स को, जैकोबिन क्लब्स ने। यहां पर ध्यान देने वाली क्या बात है बेटा, कि
लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, जो लोअर स्टेटा के लोग हैं वो रिवोल्ट कर रहे हैं, और उनके रिवोल्ट को कौन लीडरशिप दे रहा है? जैकोबिन क्लब। यानी कि जैकोबिन क्लब इस समय पे क्या हो गया, काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गया, नेशनल असेंबली को क्या कर रहा है, ये टक्कर दे रहा है। तो आगे चल के क्या होता है, नेशनल असेंबली, क्योंकि ये नेशनल असेंबली को टक्कर दे रहा है, तो नेशनल असेंबली इससे पूछती है कि भाई ये सारी चीज़ें कैसे बंद हो, ये रिवोल्ट कैसे बंद हो। तो ये कहते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें वोटिंग राइट्स चाहिए। वोटिंग राइट्स किसको? ऑल द पर्सन ऑफ द फ्रांस हुज एज इज 21 एंड अबव। क्लियर है? यानी कि वो सारे लोगों को वोटिंग राइट दीजिए जिन लोगों की एज 21 और 21 से ज्यादा है। तो यहां पर क्या होता है, नेशनल असेंबली तैयार हो जाती है ये करने के लिए, उनको वोटिंग राइट दे देती है। क्लियर? तो ऑल द मैन ऑफ 21 एंड अबव गॉट द राइट टू वोट। सबको क्या मिल जाता है, वोट का अधिकार मिल जाता है। देखिए इससे पहले आपने देखा था कि वोट डालने का अधिकार किसको था, एक्टिव सिटीजन को। और एक्टिव सिटीजन के कौन से होते थे, जो 21 साल से ऊपर होते थे, और क्या करते थे, 3 दिन का वेजेस प्रोवाइड करते थे। ध्यान है, 3 दिन का वेजेस एज अ टैक्स के रूप में प्रोवाइड करते थे। क्लियर है? लेकिन अब क्या हुआ, अब सारे लोगों को क्या करना, क्या वोट डालने का अधिकार मिल गया। क्लियर है? अब देखिएगा, वोट डालने का अधिकार मिल गया, अधिकार मिल गया, तो इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस हुए, तो इलेक्शंस में नई गवर्नमेंट बनी। क्लियर है? अब जब नई गवर्नमेंट बनती है तो अब देखिए क्या होता है, नई गवर्नमेंट बनती है कन्वेंशन। जब नई गवर्नमेंट बनती है तो पहले किसका रूल चला था, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली को हटा दिया गया, नई गवर्नमेंट आई, और नई गवर्नमेंट का नाम क्या है, कन्वेंशन। ये ध्यान रखिएगा, क्या नाम है, कन्वेंशन। क्लियर है बेटा? ये न्यू असेंबली बनी, कन्वेंशन, और फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। फ्रांस क्या बन गया, रिपब्लिक बन गया। रिपब्लिक, रिपब्लिक के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। रिपब्लिक किसको, किस कंट्री को बोलते हैं हम लोग, कि जिसमें हेड ऑफ द कंट्री इज चूजन बाय द पीपल। रिपब्लिक कंट्री किसको बोलते हैं, द हेड ऑफ द कंट्री इज चूजन बाय द पीपल। तो अब फ्रांस क्या बन गया, एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। और क्या हुआ, नो हेरिडरी मोनार्च, अब कोई हेरिडरी मोनार्च नहीं होगा, कोई राजा वगैरह नहीं होगा, कहाँ पर, फ्रांस में। क्लियर है? अब जब फ्रांस में जब ये सब कुछ हो गया, राजा खत्म हो गए, राजा वगैरह नहीं, रिपब्लिक बन गया, तो अब जो लुई 16 से उनका क्या हुआ, तो व्हाट हैपेंड टू द लुई 16, देखते हैं लुई 16 के साथ क्या हुआ। तो लुई 16 के ऊपर केस चलाया गया, और केस किस चीज के खिलाफ चला गया, ट्रीजन। ट्रीजन यानी कि देशद्रोही का केस चला उनके ऊपर, और जब उनको अपराधी पाया गया देशद्रोही में, तो उनको सेंटेंस टू द डेथ, उनको क्या दे दी गई, मृत्यु दंड दे दिया गया। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, 21 जनवरी 1792 ये डेट थी जिस दिन क्या कर दिया गया, लुई 16 को फांसी दे दी गई। साथ में मैरी एंटोनी के ऊपर भी, जो उनकी वाइफ थी, उनके ऊपर भी केस चला था, और उनको भी क्या बाद में क्या कर दिया गया था, प्रिजन में डाल दिया गया था। तो वो सारी कहानी है। तो यहाँ पर हम लोगों ने किस किस के पीछे के बारे में पढ़ा, हमने जैकोबिन क्लब्स के बारे में पढ़ा, फिर हमने ये देखा कि जैकोबिन क्लब्स ने कैसे वहाँ से नेशनल असेंबली से पावर्स को लेकर किसको, किसके पास पावर ली, अपने पास पावर ले ली। और अब देखना, ये कन्वेंशन जो बनी है नई, इसमें इसका हेड जो बनते हैं, इसके इसके हेड जो बनते हैं, वो जैकोबिन क्लब्स के लोग ज़्यादातर बनते हैं। क्लियर है? और जो रिपब्लिक जो स्टेट बनाए, क्लियर है, इसका हेड कौन होगा, रॉबिस मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। क्लियर है? वो हम लोग देखेंगे अभी आगे। फिलहाल आपने सिर्फ इतना पढ़ा इसमें कि जैकोबिन क्लब्स क्या थे, उन्होंने किस तरीके से पावर को नेशनल असेंबली से अपने हाथों में लिया। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फिर, जब रॉबेस मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के पास पावर्स आ गई, या मैं कह सकता हूँ जैकोबिन क्लब्स के हाथ में पावर्स आ गई, तब कैसा माहौल रहा, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे।